हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एंड अभी है डिनर टाइम, सो मैं बनाने वाली हूँ पोर्क। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को मेरा ये पोर्क का रेसिपी शेयर किया जाए। तो आज का वीडियो होने वाला है कुकिंग ब्लॉग, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, ये रेसिपी को बनाने के लिए हमें ये सारे इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होगा। एंड तो सबसे पहले हम लोग पोर्क को धुला लेंगे। एंड अब हम पोर्क को धुलाने के बाद गरम तावे पे उसको ढालेंगे विदाउट एनी ऑयल एंड उसको स्टेयर करते रहेंगे। हमें इस मिक्स को कंटिन्यू हिलाते रहना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इस तरह हम सारे मिक्स को फ्राई कर लेंगे। तो हमारे जो मीट है वो फ्राई करके हो चुका है, तो अभी हम उसको निकाल लेंगे एक बाउल पे। एंड जो इसमें जो ऑयल है उसको हम लोग फेंक देंगे, या फिर आप रख भी सकते हो। तो ऑयल को निकालने के बाद हमें वापस से इसी पे हमें मीट को ढालने हैं। एंड फिर जो स्टार्टिंग में मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे वो सारे अब हम इसमें ढालना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ढालेंगे टमाटर, और फिर हम डालेंगे जिंजर एंड गार्लिक जो हमने पहले ही चॉप करके रखे हैं। एंड फिर डालेंगे हम मिर्चा चिली एंड इसको स्टीयर कर देंगे थोड़ा सा। एंड फिर आपको टेस्ट के अनुसार आपको नमक डालना है। एंड हम यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक डाले। एंड अब हम इसमें डालेंगे सेजवान लीव्स जो हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं मकर। एक हफ्ते कुजीन में पोर्क बनाए और बिना बैम्बू शूट का तो हो ही नहीं सकते हैं। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज बैम्बू शूट। ओके गाइस, हम लोग का खाना तैयार है। एंड सीज माय कजिन चांदनी एंड सीज उमावती, हाय तो बोलो। गलती से हम लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया था। खाना खत्म हो चुका, खाना आधा खत्म हो गया। और विद बैम्बू शूट, बैम्बू शूट को हम लोग खाते थे नो बोले। और तीन चिली को हम लोग एम कॉम बोलते हैं, कॉम नहीं बोलते क्या? और ये टमाटर मेरा सिग्नल का दोस्त लोग सुन के बड़ा हंसते हैं। और ये है कुकुम्बर, कुकुम्बर को हम लोग खाते में टेन बोलते हैं। बहुत टेस्टी है, मेरा फेवरेट है पोर्क विद बैम्बू शूट। कुछ तो बोलो।
फिर दो इसलिए जब से वीडियो बनाया ये चुपचाप है। कुम सिंह हो गया तेरा? गाइस उधर में भी एक है उप सिंह, उसको वीडियो में आने के लिए शर्म लगता है तो वो बार बार पे खा रहा है। शर्मिला खत्म हो गया, खत्म। जाओ जाओ जाओ। तो गाइस आज का वीडियो इतना तक ही। अगर आप लोगों को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है। ओके बाय। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा आंख में आई फ्लू हुआ था तो बहुत दिन से हम घर से बाहर नहीं निकला था। तो आज चियोन मेरा दीदी खाने में बुलाया तो बहुत अच्छा लगा है। आप लोग प्लीज़ उसका चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।